ये है हमारी दुनिया, हमारा घर। यहाँ वो खूबसूरत जिंदगी रहती है जिसके बारे में हम जानते हैं, पर जो हम नहीं जानते कि इस यूनिवर्स के घने अंधेरों में हमारी दुनिया जैसी खरबों दुनियाएं मौजूद हैं जो अपने अंदर ऐसी नामुमकिन जिंदगी को समाये बैठी हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पर आज हम सोचेंगे। तो आइए मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जिसमें हम इस कभी ना खत्म होने वाले यूनिवर्स के घने अंधेरों में से होते हुए तलाश करेंगे ऐसी अनजान दुनियाओं को जिनकी कोख में बसती है जिंदगी। वो जिंदगी जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, जो रहती है ऐसी दिलकश और बेरहम दुनियाओं में जहां जिंदा रहने के लिए हर दिन मौत से लड़ना पड़ता है, जो जानती है कहानी शिकार और शिकारी की। क्या ये वो जिंदगी है जो शायद इंसानों के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती, या फिर वो जिसके लिए इंसान कोई मायने नहीं रखता, जिसकी सोच हम इंसानों की सोच से अरबों साल आगे है। एक ऐसी जिंदगी जो जानती है यूनिवर्स के वो गहरे राज जो बदल सकते हैं हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन में। ये सफ़र है उस जिंदगी के बारे में जानने का जिसे कहा जाता है एलियंस। पर उन एलियंस के बारे में जानने से पहले हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब देना होगा कि आखिर वो एलियंस हैं कहाँ। पर जिस जिंदगी की तलाश में आज हम निकले हैं, कहीं उसने हमें पहले ढूंढ लिया तो क्या होगा। मिल्की वे। 1,00,000 लाइट ईयर्स में फैली हमारी गैलेक्सी जो बनी है 400 अरब सितारों से। इन अरबों सितारों में एक सितारा सूरज जो रोशनी देता है उन 8 प्लैनेट्स को, जिनमें से एक है हमारा घर अर्थ। हमारे सूरज की ही तरह मिल्की वे के 400 अरब सितारों के भी अपने अपने प्लैनेट्स हैं। मतलब कि ये मिल्की वे अपने अंदर 10 खरब प्लैनेट्स को समाये बैठी है। और इस यूनिवर्स में मिल्की वे जैसी कितनी गैलेक्सीज हैं, 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला है। अगर इंसान आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से स्पेस में सफ़र करे तो उसे सिर्फ 1 लाइट ईयर को पूरा करने में 40,000 साल लगेंगे, सिर्फ 1 लाइट ईयर। सच ये है कि हम इस यूनिवर्स के आगे धूल के एक कण बराबर हैं, जो सोचते हैं कि इन खरबों गैलेक्सीज के अरबों सितारों के अनगिनत प्लैनेट्स में से सिर्फ 1 प्लैनेट पर ही जिंदगी है और हम इस यूनिवर्स में बिल्कुल अकेले हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हम इंसान हमेशा से ही दुनिया के बाहर मौजूद जिंदगी को जानना चाहते थे और हमने जिंदगी की तलाश शुरू की अपने सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स पर देखा, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यहाँ तक कि उनके मून्स पर भी।
पर जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन जिस सफर पर हम निकले थे वो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। हमने अपने सोलर सिस्टम के बाहर हजारों लाइट ईयर्स दूर स्टार्स के चक्कर लगाते प्लैनेट्स को ढूंढना शुरू किया, जिन्हें कहते हैं एक्सोप्लैनेट्स। बस परेशानी ये थी कि उन्हें ढूंढना नामुमकिन था। एक्सोप्लैनेट स्टार्स के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं और उनके स्टार की बेहद तेज रोशनी उन्हें सामने होते हुए भी छुपा देती है। और बड़े से बड़े टेलीस्कोप के लिए डिटेक्ट करना ऐसा है जैसे समंदर में नमक ढूंढना। साइंटिस्ट ने इस परेशानी को देखते हुए एक ऐसी टेक्निक का यूज किया जिससे ना सिर्फ एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ सकते थे बल्कि उसके साइज से लेकर केमिकल कंपोजिशन तक हर चीज का पता चल जाता। द डॉपलर टेक्निक। एक्सोप्लैनेट के स्टार के सामने से गुजरते ही स्टार की रोशनी में हल्की सी कमी आती है जिससे एक एक्सोप्लैनेट का पता चल जाता है। और इस टेक्निक का यूज करके हमने अपना सबसे पहला एक्सोप्लैनेट ढूंढ लिया। Pegasi b, जो हमसे 50 लाइट ईयर्स दूर सूरज जैसे स्टार का चक्कर लगा रहा था। 51 पेगासी बी हमारे जुपिटर की ही तरह एक गैस जायंट है, लेकिन इसका एटमॉस्फेयर जुपिटर जैसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ भी बारिश होती है मगर पिघले लोहे की। हम तो एक ऐसी दुनिया ढूंढने निकले थे जो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट से मिलती हो, जहां जिंदगी बस सके, मगर इस प्लैनेट ने तो हमें हिला कर रख दिया और बताया कि जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। 51 पेगासी बी के बाद हमने कुछ ऐसी दुनियाओं को देखा जो इंसानी सोच को मरोड़ कर रख देने वाली थी। ऐसे प्लैनेट जो पूरी तरह बर्फ से जमे थे, कुछ इतने हल्के कि अगर किसी बड़े समंदर में डालो तो तैरने लगें, मगर इतने बड़े कि इनमें हजारों दुनियाएं समा जाएं, कोर प्रेशर इतना कि हीरा भी जर्रा जर्रा हो जाए। इन तबाही से भरी दुनियाओं से कुछ दूर एक ऐसा प्लैनेट है जो पहली बार देखने पर हमारी अर्थ की याद दिलाता है, मगर दूसरी बार देखने पर पता चलेगा कि ये किसी जहन्नम से कम नहीं। केपलर 36b, जो अपने स्टार के काफी करीब होने की वजह से अपने ऑर्बिट में टाइडली लॉक है, मतलब इसकी एक साइड हमेशा स्टार की तरफ रहती है और स्टार की गर्मी यहाँ बनाती है दरिया, मगर तपते हुए लावे से भरे, जो पूरी जमीन को ढक लेते हैं और इस प्लैनेट के जख्मों पर नमक छिड़कता है इसका अपना साथी केपलर 36c, इससे कई गुना बड़ा एक गैस जायंट। इन दोनों के ऑर्बिट्स इतने करीब हैं कि जब ये गैस जायंट इसके पास से गुजरता है तो इसकी पहाड़ों को उखाड़ कर रख देने वाली ग्रेविटी लावे को आसमान में उछाल कर रख देती है। एक तरफ है पिघले लावे के दरिया और तपती गर्मी, मगर दूसरी तरफ जमा देने वाली सर्दी, लाखों किलोमीटर में फैले बर्फ के पहाड़ और अंधेरा हमेशा के लिए। द प्लैनेट ऑफ फायर एंड आइस। ये दुनियाएं तो बस उस खतरनाक यूनिवर्स की झलक भर थी जिसमें हम जिंदगी की तलाश में निकले थे। मानो ये प्लैनेट्स हमें कह रहे हों कि हम इस यूनिवर्स के बारे में जो सोचते हैं ये वैसा बिल्कुल भी नहीं। ये दुनियाएं हैं नर्क से भी बदतर, जिंदगी का नामो निशान मिटा देने वाली। आखिर इन पर जिंदगी कैसे हो सकती है?
क्या हम इस यूनिवर्स में बिल्कुल अकेले हैं? क्या हमारे अलावा यहां कोई नहीं? कहा जाता है कि जिंदगी की तलाश है तो पहले पानी को तलाश करो, फॉलो द वाटर। क्योंकि गैसेस में एटम्स इतने फास्ट मूव करते हैं कि वो जुड़ नहीं पाते, और सॉलिड्स में वो हिल नहीं सकते, मगर पानी में वो एक दूसरे को प्यार से छूते हुए बनाते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिससे बनती है जिंदगी। K2-18b अर्थ से 8 गुना बड़ा एक ऐसा प्लैनेट जहां जिंदगी को बनाने वाली सबसे जरूरी चीज मौजूद है, पानी, पर शायद कुछ ज्यादा ही। एक ऐसा वाटर वर्ल्ड जो पूरी तरह ढका है पानी से। क्या इस पर जिंदगी हो सकती है? इसका डेंस हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर और इतना बड़ा साइज बहुत ज्यादा ग्रेविटी की वजह बनता है, जिससे पानी के नीचे जाते ही प्रेशर की वजह से टेम्परेचर 5000 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, और इतनी गर्मी कॉम्प्लेक्स लाइफ जैसे डीएनए को बनने ही नहीं देती। वो पानी जो जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, यहां वही पानी वजह बनता है मौत की। जानते हैं यूनिवर्स के बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले सिर्फ अर्थ पर ही जिंदगी क्यों है? क्योंकि अर्थ एक परफेक्ट प्लैनेट है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ना पूरी तरह पानी से ढका, ना ही बंजर जमीन से। एक ऐसा प्लैनेट जिसकी जमीन से आसमान तक का हर मॉलिक्यूल और एटम जिंदगी के साथ खड़ा है, और अगर हमें जिंदगी की तलाश करनी है तो बस एक अर्थ जैसा परफेक्ट प्लैनेट ढूंढना होगा। पर आखिर इस यूनिवर्स के अरबों खतरनाक और नर्क जैसे प्लैनेट्स में से कितने प्लैनेट हमारी अर्थ जैसे हैं? 100 बिलियन ट्रिलियन, 100 अरब खरब प्लैनेट्स। और अगर उन 100 बिलियन ट्रिलियन प्लैनेट्स में से सिर्फ कोई एक प्लैनेट हमारी अर्थ जैसा हुआ तो उस पर जिंदगी कैसी होगी? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम अपनी सोच की उन दीवारों को तोड़ने वाले हैं जो हमें रोकती हैं उस दुनियाओं के बारे में जानने से जो घर हैं एलियंस का। जरा सोचिए, एक दुनिया हमारी अर्थ जैसी, मगर एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स का चक्कर लगाती हुई, अर्थ 2.0। यहां ऐसे शिकारी एलियंस हैं जो जमीन से उगने वाली फंगस को खाते हैं, और कुछ ऐसे जो इनको। दरख्तों पर रहने वाले शिकारी की रफ्तार जमीन पर बहुत कम है, मगर इसके पास एक ऐसा हथियार है जो इसे दिया है एवोल्यूशन ने। इस बार तो शिकार भाग गया, पर अगली बार शायद किस्मत साथ ना दे। इस दुनिया में अर्थ के मुकाबले ऑक्सीजन 10% ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ हर चीज ज्यादा बड़ी, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा रंग बिरंगी है। आज ये शाकाहारी एलियन फिर अपना पेट भरने यहाँ वापिस आया है, मगर इसे ये नहीं पता कि ये इसका आखिरी दिन है। फंगस दिमाग को सुन कर देने वाला एक ऐसा इन्फेक्शन स्प्रे करती है जिससे डर का एहसास खत्म हो जाता है, और शिकारी के सामने होते हुए भी इस बार वो नहीं भागता,
बिना भाग दौड़ के शिकार मिल जाए तो कौन ना करेगा। एक आसान शिकार मगर जहर से भरा। फंगस ने शिकार का इस्तेमाल किया शिकारी को मारने के लिए, ताकि वो उसके जिस्म को खाकर अपनी नस्ल को बढ़ा सके। ये दुनिया हमें बताती है कि जगह चाहे कोई भी हो, असूल हमेशा वही रहता है। मारोगे नहीं तो मारे जाओगे। साइंस की नज़र में ज़िंदगी का एक अर्थ जैसे परफेक्ट प्लैनेट पर होना साबित करता है कि ये सिर्फ उन दुनियाओं में बस सकती है जहां हर चीज़ एक बैलेंस में हो। लेकिन मैं एक ऐसे जानवर को जानता हूं जो हमारी इस बात से सहमत नहीं। टार्डिग्रेड्स, आठ टांगों वाला एक ऐसा भालू जो हमारी सोच के टुकड़े टुकड़े कर देता है कि एलियन लाइफ सिर्फ एक अर्थ जैसे प्लैनेट पर ही हो सकती है। एक ऐसा जानवर जो है तो अर्थ का मगर किसी एलियन से कम नहीं। ये टार्डिग्रेड्स इतने सख्त हैं कि उबलते पानी और ठोस बर्फ में भी जिंदा रह सकते हैं, और अगर इसे स्पेस के वैक्यूम और रेडिएशन में खुला छोड़ दिया जाए तो इसे एक खरोश तक नहीं आएगी। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर समंदर की गहराइयों तक हर जगह मौजूद हैं, यहां तक कि आपके घर के बाग में मौजूद लगी काई में भी। आपने इनको शायद कभी ना देखा हो, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, सुई की नोक के बराबर, मगर सख्त हैं। ये जमीन पर होने वाले 5 बड़े हादसों को झेल चुके हैं, जहां दुनिया के सारे डायनासोर्स मर गए, मगर ये नहीं। और तो और, ये पानी की एक भी बूंद के बिना 10 साल जिंदा रह सकते हैं। हमें लगता है कि जिंदगी की बहुत शर्तें हैं, ये बस वहीं हो सकती है जहां ना ज़्यादा ठंड हो, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा रेडिएशन, ना ज़्यादा अंधेरा और ना जाने क्या क्या, और सबसे ज़रूरी चीज़ पानी। मगर हमारी ये सोच गलत है। टार्डिग्रेड्स ने यह साबित कर दिया है कि उन हालातों में भी जिंदा रहा जा सकता है जहां हम इंसान नहीं रह सकते। और अगर दुनिया में रहने वाला एक छोटा सा जानवर कहीं भी जिंदा रह सकता है तो एलियंस क्यों नहीं। जुपिटर, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट, जहां जमीन है ही नहीं। यहाँ हैं हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन के घने और गर्म बादल, जिनकी रफ्तार 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। क्या जिंदगी इतनी सख्त है कि यहाँ जिंदा रह सके? अगर हाँ तो वो कैसी होगी? एक ऐसे एलियंस जिन्हें जमीन की जरूरत ही ना हो, जो एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस को छोड़कर सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन को ही अपने अंदर लेते हों, ताकि वो हमेशा एक हॉट एयर बैलून की तरह उड़ते रह सकें, और उनकी खुराक हो वो भारी गैसेस जो उन्हें जिंदा रख सकें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी खुराक खुद बनाते हों, बिल्कुल पौधों की तरह, हवा और धूप से, जिनका साइज हो शहरों से भी बड़ा, मगर रंग ऐसा जो इनको जुपिटर के बादलों में छुपा दे शिकारियों से। ज़िंदगी का इन हालातों में भी ज़िंदा रहना बताता है कि ये उस हर जगह हो सकती है जहां हम उसके वजूद को नकारते आए हैं। ये हो सकती है उस दुनिया में जहां पानी की एक बूंद तक ना हो, या इतना पानी हो कि ज़मीन नज़र ना आए। उस दुनिया में भी जिसकी एक तरफ हमेशा दिन है और दूसरी तरफ हमेशा रात, जहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो कि हर चीज़ ज़मीन में धंस जाए, या इतनी कम कि हर चीज़ उड़ने लगे। और क्या पता ज़िंदगी ने 51 पेगासी बी के उस नर्क में भी ज़िंदा रहने का तरीका निकाल लिया हो, जहाँ पिघला लोहा बरसता है।
हमें इन चीज़ों के बारे में सोचकर बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि ये यूनिवर्स है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और जहाँ कुछ भी हो सकता है वहाँ वो ज़िंदगी भी हो सकती है जिसे कहते हैं इंटेलिजेंट लाइफ। दस अरब साल पुराना एक ऐसा प्लैनेट जो कभी हरा भरा हुआ करता था, बिल्कुल एक जन्नत की तरह, मगर इसके मरते सूरज ने इससे सब कुछ छीन लिया। लेकिन इस पर रहने वाली ज़िंदगी इन 10 अरब सालों में इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि प्लैनेट के बंजर हो जाने से भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसे आप एलियन समझ रहे हैं वो तो बस एक रोबोट है। हर बॉक्स में है एक ऐसा एलियन जिसे अपनी बॉडी की ज़रूरत नहीं, ये है बस उसका दिमाग जो ना कभी बूढ़ा होता है और ना कभी मरता है। और हर दिमाग एक दूसरे से जुड़ा है, और ये सब दिमाग मिलकर बनाते हैं एक ऐसी सोच जो पूरे प्लैनेट को कंट्रोल करती है। एलियन लाइफ चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, यूनिवर्स के कहर से बचना नामुमकिन है। सोलर फ्लेयर, गामा रे बर्स्ट, सुपरनोवास और एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट्स किसी भी प्लैनेट से ज़िंदगी का नामो निशान मिटा सकते हैं, और इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनना। ऐसी एलियन सिविलाइजेशन जो प्लैनेट्स को शहरों की तरह इस्तेमाल करती हो, और इस यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे जिसकी रफ्तार लाइट से भी ज़्यादा हो। लाखों लाइट ईयर्स का सफ़र सिर्फ एक सेकंड में, चाहे स्पेस फैब्रिक के ज़रिए ट्रैवल करना हो या वॉर्म होल्स के। पर एडवांस सिविलाइजेशन बनना मतलब के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत, जो उन्हें मिलेंगे एस्ट्रॉयड माइनिंग से, ताकि उन एस्ट्रॉयड्स के रिसोर्सेज उनकी स्पेसशिप्स और उनके प्लैनेट को चला सकें। और अगर इन छोटे छोटे एस्ट्रॉयड से काम ना बने तो मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनने के लिए सिर्फ एस्ट्रॉयड्स और प्लैनेट से काम नहीं चलता, इन्हें चाहिए बेतहाशा एनर्जी। स्टार्स, एस्ट्रॉयड्स और प्लैनेट से अरबों गुना ज़्यादा एनर्जी बनाते हैं, और इस सारी एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए एलियंस ने बनाया होगा एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर जो सूरज की ताकत का कतरा कतरा सोख ले, डायसन स्फीयर। और अगर इससे भी ताकत की भूख ना मिटे तो ब्लैक होल से ज़्यादा एनर्जी कौन दे सकता है। इतनी ताकत एक मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन को बना देगी, मल्टी गैलेक्टिक सिविलाइजेशन जिसका कब्जा होगा हर एक गैलेक्सी पे, जो अपनी ताकत की भूख को मिटाने के लिए पूरी की पूरी गैलेक्सी को निगल जाएगी। दूर स्पेस में कुछ ऐसी जगहें हैं जो बिल्कुल खाली हैं, जिन्हें कहते हैं वॉइड्स, जहां सैकड़ों लाइट ईयर्स तक कुछ नहीं। क्या ये वॉइड्स एक इंटेलिजेंट लाइफ का सबूत तो नहीं? पर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है जो इतने बड़े वॉइड्स की वजह बनता है। पर अगर ऐसा ना हुआ तो कहीं एलियंस की कभी ना मिटने वाली भूख उन्हें हम तक खींच लाई तो हम क्या करेंगे? जिन एलियंस को हम हर दिन बेचैनी से तलाश करते हैं, कहीं एक दिन उन एलियंस ने हमें ढूंढ लिया तो क्या होगा? हम नहीं जानते कि एलियंस कैसे होंगे, पर हम इतना ज़रूर जानते हैं कि यूनिवर्स में मौजूद दुनियाओं के हिसाब से हमारी दुनिया उनके लिए सिर्फ एक
बॉल की तरह होगी। वो पूरी दुनिया के रिसोर्सेज निकाल कर इंसानों को अपने साथ ले जाएंगे और इस्तेमाल करेंगे अपने गुलामों के तौर पर। अगर हम इंसानों ने फ्यूचर में इतनी तरक्की कर ली कि एलियंस जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी बना सके, तो एक ऐसी जंग होगी जिसके बारे में आज तक किसी ने ना सोचा हो। इंसान चाहे उस जंग में जीत भी जाए, मगर आखिर में बचेगी सिर्फ तबाही और मौत। या फिर हम जितना बुरा इन एलियंस को समझते हैं, वो वैसे हों ही ना, बल्कि वो हमारी मदद करें अपनी तरह एक एडवांस सिविलाइजेशन बनने में, ताकि हम उनके साथ मिलकर इस यूनिवर्स को समझ सकें। अगर ऐसा हुआ तो इंसान वो सब कुछ कर पाएगा जिसके बारे में वो सोचता आया है। क्या कहानी का अंत बस यही है, या फिर इस यूनिवर्स में कोई और भी है जिसे इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो टाइम और स्पेस की सारी हदों से पार रहती है, जिसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो ज़िंदा तो है पर एक सोच की तरह, वो सोच जो उसे बना देगी एक सुपर सिविलाइजेशन, जो जानती है यूनिवर्स के वो गहरे राज, जो हर नामुमकिन चीज को मुमकिन में बदल दे। साइंटिस्ट ने आज तक जितने भी एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढा है, उनमें से बहुत सारे प्लैनेट्स हमारी अर्थ से मिलते हैं, मगर अब तक उन पर जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं मिला। कहीं वाकई ये सच तो नहीं कि हम बिल्कुल अकेले हैं? पर अगर कहानी का दूसरा रुख देखें तो सच ये है कि रिसर्चर्स ने बस हमारी गैलेक्सी के खरबों एक्सोप्लैनेट्स में से सिर्फ 5,000 एक्सोप्लैनेट्स को ही ढूंढा है। सिर्फ 5,000, ये ऐसा है जैसे आप समंदर से पानी की एक बाल्टी भरें और कहें कि इस बाल्टी में तो कोई मछली नहीं आई। इसका मतलब पूरे समंदर में कोई मछली नहीं है। कहते हैं हर सफ़र का एक अंत होता है, मगर जिस सफ़र पर आप निकलने की गलती कर चुके हैं, उसका ना कोई अंत है और ना पीछे मुड़ने का कोई रास्ता, क्योंकि अभी तो हमने देखना शुरू किया है। और ज़रूरी नहीं हर चीज़ दिखाई दे, कुछ